इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी द्वारा रेसिडेंसी कोठी में आज इंदौर बार्बर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के लोगों की आज बैठक बुलाई गई। बैठक में महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा की गई। सैलून व्यवसाय विगत 3 महीने से इंदौर में अभी भी बंद है, जिसे आर्थिक प्रकार से समस्या आ रही। बैठक में नई गाइडलाइन के तहत सैलून व्यवसाय शुरू करने की बात को लेकर चर्चा की गई। सेन समाज अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने मीटिंग में बताया कि केश शिल्पी व्यवसायिकों को अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना के तहत सभी को लाभ मिले और 1 लाख रुपये तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जाए, जिससे आर्थिक स्थिति जल्द से पटरी पर आ सके। इसकी मांग इंदौर कलेक्टर से की गई। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जो हमारे केश शिल्पी है, ब्यूटी पार्लर वाली हमारी बहनें, वो लगातार मांग कर रही थी कि ये खुलना चाहिए और सभी वर्गों से ये डिमांड भी आ रही थी लगातार। वो कई दिनों से मिल भी रहे थे, लेकिन हम भी चाह रहे थे जल्दी खुले। लेकिन एक खरगोन में केस हुआ था, जिसके कारण एक केस शिल्पी जो नाई की दुकान पर पॉजिटिव वाले का टॉवल दूसरों पे यूज़ किया था, तो 5 केस एक ही दुकान पर आ गए थे। तो उस कारण से ऐसा लग रहा था कि इसको थोड़ा धीरे से खोलें। अब सभी से चर्चा हो गई है और सबने ये कहा है कि हम इसमें सहयोग करेंगे। जो प्रोटोकॉल प्रशासन तय करेगा वो हम मानेंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जिला प्रशासन के साथ बैठ के आज उसमें SOP बना देगी और उसी अनुसार चलेंगे। मैं आपके माध्यम से भी सभी केस शिल्पियों से कहूँगा कि कृपया जो SOP बनाई जा रही है, जो नियम बनाए जा रहे हैं, वो सबका पालन करें। खास करके बस्ती क्षेत्र में जो हमारा नाई की दुकान है, छोटी दुकान है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी आते हैं और उसको उस चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जो आवश्यक हो। मुझे लगता है गौरव भाई उसमें और आगे बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हमने उनके साथ ही बैठ के बात की है कि किस प्रकार डिस्पोजेबल हो, रीयूज हो और मास्क लगा के जो भी आवश्यक कदम हैं जिसमें संक्रामक रोग फैलने की शंका रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको काम शुरू करना है। उन्होंने कहा हम डिस्पोजेबल हम बना रहे हैं, डिस्पोजेबल किट आती है और डिस्पोजेबल किट के माध्यम से हम करेंगे। देखिए, हमारे ये जो केश शिल्पी बंधु हैं, बहनें हैं, उसमें सबसे छोटा दुकान चलाने वाला, मझोली दुकान चलाने वाला और बड़े जिनके हम कहेंगे जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, लगातार इतने दिनों से बंद होने के कारण जो छोटे दुकानदार हैं, मझले हैं, उनकी किराए की बड़ी समस्या है, उनको किराया भरना पड़ रहा है। इसको लेके वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुझसे संपर्क कर रहे थे। हमने आज कलेक्टर साहब को कहा है कि कैसे भी करके इन लोगों की दुकान अब खोलना चाहिए, नियम कानून लगाते हुए जो जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो करेंगे। जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा कि छोटे लोग कैसे करेंगे, तो मेरी बैठ के बात हुई थी, उन लोगों का ये कहना है कि हमारी दुकान पर जो भी आएगा हम उसे कहेंगे कि या तो आप अपना टॉवल साथ में लेके आएँ, छोटा दुकानदार, या अगर हम लोगों को डिस्पोजेबल यूज़ करना है तो हम लोग उस पर 10 या 15 रुपया ज़्यादा चार्ज करेंगे। ऐसे करके वो लोग नियम बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, हाइजीन का भी पालन करेंगे, मगर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी बचना चाहिए और जहान भी चलना चाहिए, तो अब इन लोगों की जहान भी ठीक से चले ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ये लोग सब अपने अपने काम पे लौटें, सुरक्षित इंदौर को रखते हुए इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और इंदौर की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। मुझे लगता है आजकल में इनकी दुकानें चालू हो जाएंगी। कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है, कल विनय वासलीवाल जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस को दरकिनार करा जा रहा है, तो क्या ये बात सच है या कोई और कारण है? देखिए, ये जो कोरोना महामारी का दौर है, जिसे हम पेंडेमिक कहेंगे, पूरे विश्व में और पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर में चल रहा है। इसमें लोगों की सेवा करने के लिए लोगों के बीच में जाके उतरना पड़ता है। कांग्रेस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती है, कमरों में बैठ के, AC कमरों में बैठ के बयान देना या फिर सिर्फ करने के लिए प्रदर्शन करना, तो उससे काम, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे तो लोगों का दुख मालूम पड़ेगा। अब आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी ऐसी इसी तरह की राजनीति की है, आज भी वही कर रही है। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सेवा का समय, लोगों की परेशानियों को समझने का समय है। क्या
हाँ, बैठक में जो बातें हुई है वो हमारे सलून व्यवसाय के लिए हुई है, जो कि अभी सारे सब कुछ खुल चुके हैं, सिर्फ सलून व्यवसाय हैं बाकी हैं, तो उसी के लिए हमारे कलेक्टर साहब और शंकर लालवानी जी से जो हमारी चर्चा हुई है कि अब आप सलून में काम कैसे करोगे, क्योंकि सलून में सबसे ज़्यादा संक्रमित का खतरा है, वो हम लोग बॉडी टच के संग में काम करते हैं, तो हमने उनको अपनी सारी गाइडलाइन दी है कि आगे हम कैसे काम करेंगे, हम ज़्यादातर डिस्पोजल चीज़ों के संग काम करेंगे, मशीनरी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम लोगों ने जो सर को गाइडलाइन दी है उनको हमारी गाइडलाइन तो मतलब मंजूर है कि आप लोग कर सकते हो, बट उनको ज़्यादा चिंता है छोटे व्यवसाय की, जो छोटे गली मोहल्लों में सलून है, तो उनका मानना है कि वो लोग ये सब फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट कलेक्टर सबका ये भी कहना है कि उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, चूँकि कोरोना का दौर है, कोरोना किसी को भी छोड़ता नहीं है, तो हम लोगों को उनको बताना है कि अब उनको कैसे काम करना है, उनको थोड़ा सा रेट बढ़ा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी डिस्पोजल चीज़ों का साथ तो लेना ही पड़ेगा, डिस्पोजल चीज़ों के बिना हम लोग अपने आप को सेफ और उनको सेफ नहीं रख पाएंगे। हमने गाइडलाइन दी है कि जब क्लाइंट आएगा तो उसके सारे जो सूज है, उसका पर्स वगैरह है, उसको हम एक पॉलीथीन में पैक करके और एक साइड में रखेंगे, देन क्लाइंट को जब हम अंदर करेंगे तो टेम्परेचर गन से उसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद में हम उसकी एंट्री करेंगे, सैनिटाइजर उसकी बॉडी को करने के बाद में हम उसको काम शुरू करेंगे, और उसको काम शुरू करने से पहले हम जो अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद में जब वो चले जाएगा उसका काम होगा तभी हम सेकेंड अपॉइंटमेंट लेंगे। मेरा नाम सुनीता जायसवाल, मध्य प्रदेश ब्यूटी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज की जो बैठक थी वो हमारे सैलून व्यवसाय को खोलने के संबंध में और सैलून व्यवसाय के बंधुओं को जो तकलीफ़ आ रही है उन तकलीफ़ों को प्रशासन के सामने रखने की दृष्टि से ये हमारी आज की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंदर हमने सांसद महोदय से और माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया है कि जितने भी केश शिल्पी बंधु हैं उन सारे केश शिल्पियों को अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना का लाभ मिले और हमारे सारे केश शिल्पी बंधुओं को 1,00,000 रुपए का सब्सिडी वाला लोन प्राप्त हो, जिससे कि हमारे जो केश शिल्पी बंधु दो दो तीन तीन महीने का जिनका किराया चढ़ गया है, मकान का किराया चढ़ गया है, बिजली का बिल चढ़ गया है, ये सारा चुकाने के लिए हमको 1,00,000 रुपए का सब्सिडी वाला बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाए। ये निवेदन हमने माननीय सांसद महोदय से और माननीय कलेक्टर महोदय से किया और माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आप पूरी सूची हमें उपलब्ध करा दें, हम किसी भी योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ये आदरणीय कलेक्टर साहब ने किया। मैं सुभाष वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सैन समाज मध्य प्रदेश। उन्होंने व्यवसाय को लेकर ये कहा है कि जो शासन की गाइडलाइन है उन सारी गाइडलाइनों का पालन करेंगे, साथ ही हमारे बारबर एसोसिएशन के आदरणीय राम जी और हमारे मुकेश केलवा जी, हमारे मुकेश सेन जी, लक्ष्मण जी, राम अवतार जी, तमाम हमारे पदाधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी इनको प्रशासन के आदरणीय तोमर साहब को अपनी पूरी गाइडलाइन देगी और उसके साथ में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के भी कुछ बंधु जोड़े गए हैं, ये कमेटी तय करेगी और आजकल के अंदर हमारा सैलून व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगा, ये आश्वासन आदरणीय कलेक्टर साहब ने सांसद महोदय ने दिया है। और ये भी देखा जाए कि अगर व्यवसाय शुरू होता है तो अब कहते हैं कि रेट भी बढ़ जाएंगे, महंगाई भी हो जाएगी, इसके लेके क्या तैयारियां हैं, छोटे व्यवसाय जो है ये चीजों को नहीं रख पाएगा, मास्क वगैरह जो है इन सब की खरीदी नहीं कर पाएगा। भाई हम जेब से मंगवाएंगे, हम जेब से तो देंगे नहीं, जेब से तो करेंगे नहीं, छोटे दुकानदारों के लिए तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि वे अपने घर से टावेल और पल्ली लेकर आए, और अगर वो घर से टावेल और पल्ली लेकर नहीं आएंगे तो हम डिस्पोजल टावेल और पल्ली का उपयोग करेंगे और उस उपयोग का जो भी खर्च होगा वो कस्टमर से ही वसूल किया जाएगा, हम अपने जेब से तो लगा के काम नहीं कर पाएंगे। हमारा भी परिवार है, हमारे परिवार के लालन पालन के लिए जो लागत लगेगी वो लागत ही लेंगे और बाकी जो नियम से लगता है सैलून का वो हम शुल्क लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।